Hello everyone, welcome to our channel that is Study Genes. Today we will discuss the weekly current affairs from August 8 to 15th August. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा. और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. इंस्टाग्राम का ID आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस पास की है 99.49 करोड़ की. ठीक है, तो ये सभी स्टेट्स और UTs को दी जाएगी. और ये किस लिए दी जा रही है? ई प्रिजन प्रोजेक्ट के लिए. ये ई प्रिजन प्रोजेक्ट क्या है कि सभी जितने भी हमारे प्रिजनर्स हैं, मींस जितने भी हमारे पर्संस जेल में हैं या जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो सब कुछ अब से कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा. और ये सारा डाटा जो इंटीग्रेटेड होगा वो पुलिस और कोर्ट सिस्टम के साथ साझा किया जाएगा. सो नेक्स्ट बात करते हैं. इंडिया, श्रीलंका एंड द मालदीव्स हैव एग्रीड टू वर्क ऑन 4 pillar ऑफ सिक्योरिटी कॉरपोरेशन कवरिंग एरियाज ऑफ मरीन सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी. सो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ने 4 pillars के ऊपर एग्रीमेंट जताया है कि हम इन 4 pillars के ऊपर काम करेंगे, इकट्ठे होकर काम करेंगे. सबसे पहले मरीन सिक्योरिटी. आपको मालूम ही होगा मरीन सिक्योरिटी मीन्स जो भी हमारा पानी के थ्रू जो भी हमारे चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, उसमें काफ़ी कुछ इलीगल भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है. सो इसके ऊपर सिक्योरिटी. ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आप जानते ही होंगे कि ह्यूमंस के बच्चों को उठा लिया जाता है, बेच दिया जाता है. काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, सभी के ऊपर बात की गई है इसमें और सभी इसके लिए इकट्ठे होकर काम भी करेंगे. सो नेक्स्ट नंबर 3 पे बात कर लेते हैं हम. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये इंडियन सब्सिडरी है, इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडरी है. इन्होंने UP एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और ये बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन UP डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. UP के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे. कौन बनाएगा? भारत डायनामिक्स लिमिटेड. ओके, सो नंबर 4 पे बात कर लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैव प्रोवाइडेड फाइनेंशियल. अच्छा, ये रिपीट हो गया है. सो नेक्स्ट बात करते हैं. जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो इंडिया में अप्रूव हो चुकी है. और जॉनसन एंड जॉनसन कहाँ से बिलोंग करती है? USA की एक कंपनी है ये. ठीक है, और अभी अभी आपने सुना होगा कि 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है. और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको पावर दे दी गई है दोबारा से कि वो OBC जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है वो बना सकती हैं. मतलब कि वो अपने पास भी रिकॉर्ड रखेंगी इसका और स्वयं बनाएंगी OBC लिस्ट. ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है कि कौन सी अमेंडमेंट है ये. 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये. ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं. ITBP हैज़ कमीशन्ड इट्स फर्स्ट 2 वुमेन ऑफिसर्स इन कॉम्बैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. सो ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट टाइम 2 वुमेन ऑफिसर्स को कमीशन किया गया है ITBP फोर्स के द्वारा और उनके नाम है प्रकृति और दीक्षा. ठीक है, तो आप नाम भी याद कर लेंगे और कौन सी संस्था ने किया है ये, कौन सी फोर्स ने, ITBP ने किया है ये. ठीक है, और जैसे कि आपको नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पता ही होगा नेक्स्ट में कि नरेंद्र मोदी जो हैं, मतलब इंडिया जो है वो इस बार 1 month के लिए वो चेयरमैन बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का. ये हमने लास्ट वाले करंट अफेयर्स जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक किए थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था. सो अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए. आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चल रहा है बिकॉज आगे से आगे चीज़ें सभी जुड़ी ही होती हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 175 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो बाय दिसंबर 2022. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट कर लिया है कि हमने दिसंबर 2022 तक 175 GW की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक हमने पहुँचना है.
ठीक है, और इसके बीच में हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स जो भी पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जो भी विंड से बन रही है या किसी और चीज़ से बन रही है उनको इंक्लूड करके 175 गीगावाट तक हमने 2022 तक पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। सो ये पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, दैट विल बी प्लान्ड फॉर 3 डेज, और ये तीन दिनों के लिए चलेगी, और ये कब से स्टार्ट होगी, अक्टूबर 20 से इसी साल से। सो आपने बस यही याद रखना है कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है, बिकॉज जो भी चीज़ें फर्स्ट टाइम होती हैं वो मेनली एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है, जो भी आने वाले आगे एग्ज़ाम्स होते हैं। सो आप याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बिकम द फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी। सो HCL टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे IT सेक्टर की एक कंपनी है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अब नंबर 4 पे आ गई है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा शायद कि नंबर 1 पे TCS है, देन उसके बाद हमारी इंफोसिस है, देन विप्रो है, एंड नंबर 4th पे है HCL। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यूनिसेफ इंडिया एंड फेसबुक हैव लॉन्च्ड अ 1 ईयर जॉइंट इनिशिएटिव ऑन एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल फोकस ऑन ऑनलाइन सेफ्टी। यूनिसेफ जो कि स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए ही यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जो कि चिल्ड्रंस के ऊपर काम करती है, और फेसबुक ने मिलके एक साल का ज्वाइंट इनिशिएटिव चलाया है, जिसके बीच में ऑनलाइन सेफ्टी चिल्ड्रन की, बिकॉज आजकल आपको मालूम ही है कि काफ़ी छोटी एज से बच्चों के हाथ में फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, सो दे आर एक्सप्लोर टू सो मैनी थिंग्स ऑन इंटरनेट। सो उनकी ही सेफ्टी के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक के द्वारा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि यूनिसेफ ने किसके साथ मिलकर ये इनिशिएटिव चलाया है, तो फेसबुक के साथ मिलकर चलाया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज़ प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 3.74% टू अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 308.65 मिलियन टन्स। तो ये अभी एस्टिमेशन लगाई गई है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, और आपको मालूम ही होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कि शायद नेक्स्ट ईयर तक हमारी जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन जो है वो 3.74% बढ़ जाए और ये न्यू रिकॉर्ड बना दे 308.65 मिलियन टन्स का। ठीक है, सो आपको ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने टन्स, बट आप ये याद ज़रूर याद रख लें कि कितने परसेंट से इंक्रीज़ कर जाएगी, तो वो है 3.74%, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का नाम भी आप ज़रूर याद रखें। ठीक है जी, सो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द जियो इमेजिनिंग सैटेलाइट। अभी आपने सुना ही होगा, हाल ही में फेल हो गई है ये इसरो की, इसरो ने लॉन्च किया था इसको, जियो इमेजिंग सैटेलाइट। आपने बस GISAT-1 याद रखना है, और ये अभी ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाई, हमारी फेल हो गई है ये। सो आप बस याद रखिए, जियो इमेजिंग सैटेलाइट है इसका नाम। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द क्वाड कंट्रीज नेवी इंक्लूडिंग इंडिया द US जापान एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी कंडक्टिंग द एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो इस नेवल एक्सरसाइज हो रही है, ये काफ़ी पहले से चलती आ रही है नेवल एक्सरसाइज, क्वाड कंट्री की नेवल एक्सरसाइज है। आपको याद रखना है मालाबार नेवल एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, सो ये इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। मैंने इसीलिए इनको हाईलाइट कर दिया है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये कब से शुरू हो रही है, अगस्त 21st से, और इंडो पैसिफिक रीजन में होगी ये। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव गिवन इट्स अप्रूवल टू द प्रपोजल ऑन डीप ओशन मिशन, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम 2021 टू 2026। तो अभी अप्रूवल दिया गया है डीप ओशन मिशन के लिए, कि अब से जो है हम डीप ओशन में जाके भी, बिकॉज आपको मालूम ही होगा कि ह्यूमंस ने अभी तक ओशन को फुली डिस्कवर नहीं किया है, सो ये भी एक मिशन जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये 5 सालों के लिए इम्प्लीमेंट होगा 2021 लेकर 2026 तक। तो आपको याद रखना सिर्फ इतना है कि डीप ओशन मिशन जो है वो कितने सालों के लिए चल रहा है, पहली बात, 5 साल, और 2021 से 2026 तक।
ठीक है सर, तो आगे बात करते हैं। द इंडियन एयर फोर्स हैज़ बिल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर एट लद्दाख। ये तो आपको सीधा सीधा ही याद रखना है कि इंडियन एयर फोर्स ने अभी अभी दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहाँ से सभी जहाज़ों का जो भी उसके ऊपर से गुजरेंगे या वहाँ पे लैंड करेंगे उसके लिए यूज़ होता है मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। सो ये टावर कहाँ लगाया गया है? लद्दाख में लगाया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं। द DRDO हैज़ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड निर्वे क्रूज मिसाइल ऑफ 1000 किलोमीटर रेंज, ठीक है। तो DRDO ने अभी अभी रिसेंटली क्या किया है, एक निर्भय नाम से क्रूज मिसाइल बनाई है 1000 किलोमीटर जिसकी रेंज है। सो आपको पता ही होगा कि मिसाइल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। सो अगर आपको इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो भी चाहिए होगी कि कौन कौन सी मिसाइल्स हैं इंडिया के पास, कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बिकॉज़ ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे रिसेंटली अग्नि 5 का भी टेस्टिंग हुई थी और भी सो मैनी टेस्टिंग्स चली ही रहती है। सो हम आपके लिए उसके लिए ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 जो है ये अमेंड हुआ है अभी प्लास्टिक वेस्ट के लिए कि जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हम फुली तरीके से जो है वो ख़त्म कर देंगे 1 जुलाई 2022 तक, ठीक है सर। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द पॉपुलेशन एस्टिमेशन प्रोटोकॉल विल बी अडॉप्टेड इन द एक्सरसाइज टू बी टेकन अप फॉर ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन 2022। सो टाइगर और एलिफेंट्स की जो भी पूरे हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका रिकाउंटिंग होने वाली है। पहले 2017 में हुई थी ये, और 2017 के अनुसार टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो 2967 है। ये तो रिसेंटली अभी काउंट हुई भी है दोबारा से, बट एलिफेंट्स की जो है 29964 है एज़ पर 2017 सर्वे। सो 2022 में द्वारा इसके ऊपर एक एस्टिमेटेड सर्वे किया जा रहा है। सो याद रखेंगे आप 2022 में होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप टाइगर पॉपुलेशन तो याद ही रख लीजिए बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। 2967 है टाइगर की पॉपुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं। द फर्स्ट नेजल COVID-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक हैज़ गॉट रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम फेज सेकेंड एंड थर्ड ट्रायल्स। सो नेजल एक्सरसाइज है, सॉरी नेजल COVID-19 वैक्सीन है, तो मतलब कि नाक के द्वारा दी जाएगी ये वैक्सीन। और ये बनाई किसने है? भारत बायोटेक ने बनाई है, और ये फर्स्ट है नेजल COVID-19 वैक्सीन। सो आप याद भी रखेंगे कि किसके द्वारा बनाई गई है, और उसके गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है सेकेंड और थर्ड फेज ट्रायल के लिए। इंडिगो ये है फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। इंडिगो जो है ये एक इंडिया की पहली कैटल जीनोमिक चिप है जो कि कंजर्वेशन ऑफ प्योर वराइटीज़ ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स, ये इसलिए यूज़ की जा रही है जो भी हमारे इंडिजीनियस हैं, मतलब कि जो भारत के ही हैं, हमारे स्वदेशी जो भी कैटल ब्रीड्स हैं उनको प्रिजर्व कर सके और उनका अच्छे से पालन पोषण भी कर सके, और एक तरह से रिकॉर्ड भी रहेगा गवर्नमेंट के पास इसका। तो इंडिगो नाम है इसका, याद रखिए आप, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो आई थिंक से नेशनल यहीं तक थे, इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश एंड कैनेडा हैव ज्वाइंट अ कोएलिशन ऑन डिज़ास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बांग्लादेश और कैनेडा ने ज्वाइन किया है कोएलिशन डिज़ास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी डिज़ास्टर से लड़ने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसके ऊपर बात की गई है, और ये ज्वाइंट कोएलिशन है बांग्लादेश और कैनेडा के, ठीक है। तो आपने बस इतना याद रखा है कि किसके किसके बीच में ये कोएलिशन हुआ है, बांग्लादेश और कैनेडा के बीच में। मगधेचू जो है हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है भूटान में एक, और ये असिस्टेड बाय है ये इंडिया के द्वारा ही चलाया जाता है ये, इसको ब्रूनल मेडल मिला है, और ये ब्रूनल मेडल जो देती है वो उसका उस संस्था का नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन के द्वारा दिया जाता है ये।
तो मगदेचू आप याद रखिएगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री में है ये और किसके द्वारा चलाया जाता है। सो और इसको मेडल जो मिला है वो ब्रूनल मेडल मिला है। साउथ अफ्रीका हैज़ ग्रांटेड अ पेटेंट टू एन AI सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल वर्ल्ड। सो साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक सिस्टम को पेटेंट दिया है और ये पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। सो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिकॉज आने वाला फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही निर्भर है और उसका पेटेंट दिया गया है साउथ अफ्रीका में। सो आप याद रखेंगे इट इज़ फर्स्ट इन द होल वर्ल्ड। द सेवंथ एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 विल बी हेल्ड इन रशिया। सो सेवंथ एडिशन होगी इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 के लिए और ये कहाँ पे होगा, ये रशिया में होगी ये गेम्स। ठीक है, इस काफ़ी देशों की आर्मी जो है इसमें भाग लेती है, इंडिया की भी लेगी। इंडिया और रूस के ऊपर आपको मालूम ही होगा कि काफ़ी अच्छे संबंध हैं भारत के रूस के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वेस्ट अफ्रीका हैज़ कन्फर्म द फर्स्ट केस ऑफ द कॉन्टेजियस मारवर्ग वायरस इन ग्यूना। सो मारवर्ग एक वायरस है, ये भी इस एक वायरल इन्फेक्शन ही है एक तरह से, जिसका फर्स्ट केस जो है वो वेस्ट अफ्रीका के ग्यूना में आइडेंटिफाई हुआ है। सो पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल और इसका नाम क्या है, गजनवी। ठीक है, याद रखेंगे आप, गजनवी पाकिस्तान की एक मिसाइल है। ब्रुनाई चेयर्स द 28th एशियन रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, तो ब्रुनाई एक जगह का नाम है, एक कंट्री है ब्रुनाई। सो इस पर ये होस्ट करेगी 28th एशियन रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग और जैसे कि आपको मालूम ही होगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं या तो ये जाएंगे एस जयशंकर जी या हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर स्टेट्स जो होते हैं वो जाएंगे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। सो आप जगह का नाम याद रखिए, ब्रुनाई में होगा 28th एशियन रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैव एक्सटेंडेड देयर कोएलिशन टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये दो ऐसी एसोसिएशंस हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर काम करती हैं और ये स्पेशली इन्होंने अपना जो कोएलिशन है, मतलब कि जो इनका कोलैबोरेशन है, उसको एक्सटेंड कर लिया है और ये स्पेशली जो फोकस कर रहेंगी वो करेंगी ई कॉमर्स के ऊपर, मतलब जो भी आपकी चीज़ें जो बाहर से जो ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं उन चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान देंगी। सो आपने याद रखना कोएलिशन किसके बीच में हुआ है ये कोलैबोरेशन, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। सो इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं तक थी, अब बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। SBI जनरल इंश्योरेंस अनाउंस अ टाई अप विद सही पे टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन दी रूरल मार्केट। सही पे के द्वारा SBI जनरल इंश्योरेंस ने अनाउंस किया है एक टाई अप सही पे के साथ, तो ताकि ये रूरल मार्केट तक पहुँच सके, अपनी सर्विसेज वहाँ तक पहुँचा सके। सो आपने बस याद रखना है कि किसने किया है, किसके साथ किया है, तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने किया है और सही पे एक ऐप है जिसके थ्रू ये रूरल मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड $300 million लोन फॉर द रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने $300 million का लोन दिया है और ये किस लिए दिया गया है, ताकि रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके महाराष्ट्र में। तो आपको मालूम ही होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो है फिलीपींस में और फिलीपींस के मनीला में है इनका हेडक्वार्टर। सो आप याद रखेंगे बिकॉज बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं ये चीज़ें। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड टू ऑफर लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स।
ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड, ये लोन देंगे गोल्ड ऑर्नामेंट्स के ऊपर, और ये स्पेशली टारगेट कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई सेक्टर के जितने भी पर्सन हैं जिनके माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में जो आते हैं, तो वो जो है अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स रख के एक लोन ले सकते हैं, और ये काफ़ी कम दरों पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिडबी अलॉन्ग विद कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। सो सिडबी ने जो है वो यूके की एक कॉमन डेवलपमेंट ऑफिस के साथ मिलकर एक फंड एलोकेशन के लिए बोला है, एक चैलेंज फंड है ये, और ये फंड बेस्ड होगा कंपटीशन के ऊपर। सो आपको बस इतना याद रखना है कि सिडबी ने जो है वो यूके के साथ मिलकर एक चैलेंज फंड जो है वो एलोकेट किया है, फंड्स बेस्ड ऑन कंपटीशन। ये कंपटीशन मार्केटिंग के मार्केट्स के ऊपर जो है उनको फंड देगी। सो हेडक्वार्टर और चेयरमैन की बात कर लेते हैं सिडबी के, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और पेपर में काफ़ी बार आ जाता है। सिडबी जो है वो स्मॉल बैंकिंग जो स्पेशली हमारे एमएसएमई सेक्टर को जो है फोकस करके करती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो शिवा सुब्रमण्यम रमनन जी हैं। सो आप बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं DICGC, आपने शायद पहले नाम ना सुना हो। ये बैंक्स के द्वारा जो भी हम पैसा जमा करवाते हैं बैंक में, तो उसकी भी एक इंश्योरेंस करवाई जाती है जो कि बैंक के द्वारा करवाई जाती है। सो वो होती है DICGC के पास, जिसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सो अभी अभी इसके ऊपर आपने शायद न्यूज़ में सुना भी होगा कि अब से जो है अगर कोई भी बैंक में लॉस हो जाता है, बैंक किसी तरह से बैंकरप्ट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है बैंक एक तरह से, सो पहले जो था ये अमाउंट जो था वो 1 लाख था, जो कि अब बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। अगर आपका अमाउंट जो है वो मतलब विद इन 5 लाख है, तो आपको पूरे मतलब चाहे 5 लाख से ज़्यादा भी है आपका अमाउंट, बट आपको मिलेगा जो भी है वो 5 लाख ही मिलेगा, जो कि पहले था 1 लाख। और ये अच्छा एक स्टेप है, बिकॉज हर कोई आदमी जो है वो बैंक में अपनी जीवन की जमा पूंजी रखता है। सो ये अच्छा है, चलो काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है, पहले ये 1 लाख था और अब ये 5 लाख हो गया है। सो ये जब ये 90 डेज़ का एक पीरियड शुरू होगा, जब भी बैंक का जो मॉरेटोरियम जो है जो इम्पोज कर देगा जब RBI उसके ऊपर, सो विद इन 90 डेज़ जो है ये पर्सन को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिसके कम होंगे 5 लाख से उनको भी 5 लाख मिलेंगे, उनको जितने थे 5 लाख से कम उनको उतने मिल जाएंगे, बट जिनके 5 लाख से ज़्यादा हैं उनको सिर्फ 5 लाख रुपये तक ही मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द इंडियन नेवी हैज़ इंक्ड MOU विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी फर्स्ट बैंक टू इनिशिएट ऑनर फर्स्ट। सो आप याद रखेंगे, ऑनर फर्स्ट एक स्कीम चलाई गई है इंडियन नेवी के द्वारा, और ये किस बैंक के साथ मिलकर चलाई गई है, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर चलाई गई है। ये जो है वो बैंकिंग सॉल्यूशंस मतलब कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वेटेरियंस जो कि पहले मतलब रिटायर्ड भी हो चुके हैं, जो एक्सपीरियंसड नेवी इंडियन नेवी के वर्कर्स हैं और जो करंट नेवी के वर्कर्स हैं उनके लिए चलाई गई है। नाम याद रखेंगे आप, ऑनर फर्स्ट नाम है इसका, इस स्कीम का, और ये इंडियन नेवी और IDFC फर्स्ट बैंक ने चलाई है मिलकर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, RBL अब रत्नाकर बैंक लिमिटेड हैज़ सेलेक्टेड अमेजोन वेब सर्विसेज एज इट्स प्रेफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर टू स्ट्रेंथन इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस एंड ब्रिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू दी बैंक। सो RBL बैंक ने अमेजोन वेब सर्विसेज को सिलेक्ट किया है ताकि उनकी क्लाउड सर्विसेज मतलब जो भी उनका डाटा जो स्टोर होगा वो अमेजोन वेब सर्विसेज के क्लाउड के ऊपर स्टोर होगा। ये जो है वो एक तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी बैंक के लिए, और आप याद रखेंगे कि हेडक्वार्टर RBL बैंक का जो है वो मुंबई में है। सो आगे बात कर लेते हैं, RBI हैज़ रॉब्ड नीरज चोपड़ा इन दी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन टू वॉर्न पीपल अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड। सो अभी अभी आपको पता ही होगा नीरज चोपड़ा जी
ही इज़ द ऑनर ऑफ आवर कंट्री. उन्होंने अभी अभी गोल्ड जीता है ओलंपिक्स में. सो आरबीआई ने उनके साथ मिलकर एक कैंपेन चलाया जाएगा जिसके बीच में पब्लिक को अवेयर किया जाएगा डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के ऊपर. आपको मालूम ही है जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतने ज़्यादा फ्रॉड्स होने के चांसेस भी होते हैं, बिकॉज देयर आर स्टिल सम पर्सन्स, और कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो कि अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं दे, जिनको नहीं नॉलेज है इतना. सो ऐसे हमारे घर में भी है, हमारे मदर फादर दे आर नॉट सो मच अवेयर अबाउट दिस टेक्नोलॉजीज. सो उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर होगा. आरबीआई काफ़ी पहले से प्रयास कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके बैंकिंग फ्रॉड्स को ख़त्म किया जाए, उनके पे कंट्रोल किया जाए. ठीक है. सो नीरज चोपड़ा जी जो हैं वो अब से आरबीआई से के साथ मिलकर ये कैंपेन चलाएंगे. ओके. सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं. आरबीआई हैज़ रेज द लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर दी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस फ्रॉम 10 लाख टू ₹20 लाख. सो आरबीआई ने रेज कर दिया है. कोलेटरल फ्री मतलब कोलेटरल फ्री से आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा. जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको पहले 10 लाख रुपये तक की लिमिट थी, अब वो बढ़ा के 20 लाख रुपये कर दी गई है. सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं. द स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रेप्लिशमेंट ऑफ ATMs शेल बी इफेक्टिव फ्रॉम October 1, 2021. सो आपने सुना ही होगा कि अब से जो भी बैंक जो है वो आई थिंक से 12 आवर्स और 10 आवर्स के अगर तक उसमें पैसे नहीं आते हैं, ATM में नहीं डालते हैं वो, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी ₹10,000 की, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है. बिकॉज हमारे ही पैसे बैंक में रखे जाते हैं और हमसे भी कई बार लेट फीस चार्ज कर ली जाती है, आपके अकाउंट में पैसे कम हैं, आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है, तो इन चीज़ों के लिए अगर पैसे लग रहे हैं. सो ये मैं तो बोलता हूँ बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है कि बैंक्स को भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए कि 24 आवर्स बैंक ATMs में कैश रहे, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है RBI का. तो नेक्स्ट बात करते हैं. SIDBI हैज़ अनवील्ड डिजिटल प्रयास एंड ऐप बेस्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लो इनकम ग्रुप. सो SIDBI ने जो है एक डिजिटल ऐप जो है वो चलाई है, डिजिटल प्रयास. ये फैसिलिटेट करेगी किनको? एंटरप्रेन्योर्स को और लो इनकम ग्रुप्स को. देखिए मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लाता हूँ, स्पेशली वन वर्ड टाइप में, ताकि आपको सिर्फ मेन याद रखना पड़े, ताकि जैसे ही आप चीज़ें देखें, जैसे आपने डिजिटल प्रयास आपने जब भी पेपर में आपने कभी देखा तो आपको एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए. अच्छा, ये SIDBI की एक वो थी और ये किस लिए चलाई गई थी? लो इनकम ग्रुप्स के लिए, जो भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हमारा जो अगर इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करती है. अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ेगा इंडिया में तो इंडिया की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है SIDBI का. और आपने याद रखना है क्या है इस ऐप का नाम? डिजिटल प्रयास. नेक्स्ट बात करते हैं. ADB हैज़ ज्वाइंड हैंड्स विद प्राइस हाउसिंग फाइनेंशियर IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड प्रिजर्व वाटर एंड विटेलिटी इन इंडिया. सो ADB के बारे में आपको पता ही था, मैंने पीछे भी बात हुई थी. एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में है. और तो इन्होंने जो है वो ज्वाइंट किया है IIFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को, ताकि ये कार्बन एमिशन और वाटर की विटिलिटी को कंट्रोल कर सकें. ठीक है. सो आप याद रखेंगे ADB बैंक और IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलकर ये स्टेप लिए जा रहे हैं, जिसमें कार्बन एमिशंस और वाटर को प्रिजर्व किया जाएगा. ओके. और नेक्स्ट बात कर लेते हैं. इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व इन द वीक एंडेड August 6 इज़ $621.464 बिलियन. सो ये रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है हमारा फॉरेक्स रिजर्व. फॉरेक्स रिजर्व जो भी हमारे पास विदेशी मुद्रा होती है, RBI उसको डिपॉजिट करके रखता है अपने पास. सो ये रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है और अगस्त 6 तक ये कहाँ तक पहुँच गया है? $621.464 बिलियन पे. नेक्स्ट
देख लेते हैं। द ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अनवील्ड अ कैंपेन बदलाव हमसे है टू ब्रिंग रेडिकल शिफ्ट इन डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसेस। सो ए यू एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसने कैंपेन चलाया है बदलाव हमसे है और ये इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, ये डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपने याद रखना है बदलाव हमसे है जो कैंपेन है वो किस बैंक के द्वारा, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज पर डाटा रिलीज्ड फॉर जुलाई इन 5.59%। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, बहुत सारे तरीकों से जो है, बहुत सारे टूल्स होते हैं आरबीआई के जिसके थ्रू जो है वो हमारी इन्फ्लेशन को नापा जाता है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार जो है वो हमारी जुलाई में जो इन्फ्लेशन दर रही वो 5.59% थी, जो कि उससे पहले जो थी वो 6% को क्रॉस कर गई थी। सो आरबीआई का एक टारगेट होता है कि वो लगभग 4+2 या -2 के बीच में ही इन्फ्लेशन को रखा जाए, तो ये एक अच्छी इन्फ्लेशन मानी जाती है, मतलब एक तरह से कंट्रोलेबल इन्फ्लेशन मानी जाती है, जो कि 2 months बैक जो थी वो 6 के ऊपर चले गई थी, जो कि हाल ही में कंट्रोल होकर 5.59% पे आ गई है। ठीक है, सो जो भी अभी करंटली एग्ज़ाम्स होंगे मे बी जुलाई या अगस्त में होंगे, या जिनके जिनमें करंट अफेयर्स आते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि जुलाई में कितनी करंट सीपीआई रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो याद रखेंगे आप 5.59% रही है। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एग्रीड टू $100 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू मॉरिशियस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस आइटम्स फ्रॉम इंडिया। सो एक्जिम बैंक जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर काम करता है, उनको ही लोन देता है और उन्हीं को ही टारगेट करता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। सो $100 million का ये लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि एक तरह से पैसा दे रहा है $100 million मॉरिशियस को, ताकि वो डिफेंस आइटम्स खरीद सके इंडिया से। सो एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, मुंबई में है। सो आप याद रखेंगे इसको भी। सो मेरे ख्याल से बैंकिंग एंड फाइनेंस यही तक था, आगे बात कर लेते हैं हम स्पोर्ट्स के लिए। सो इंडियन रेसलर लवांशु शर्मा वॉन दी भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 ऑर्गेनाइज इन तमिलनाडु, ही बिलोंग्स टू उत्तराखंड। सो ये इतना चर्चित तो नहीं था, बट मेरे को लगा शायद बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द रेसलर्स जो हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एक तरह से ट्रिकी सा, कि लवांशु शर्मा जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। जेम्स एंडरसन ओवरटुक अनिल कुंबले टू बिकम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट। सो जेम्स एंडरसन जो हैं उन्होंने अनिल कुंबले को क्रॉस कर लिया है और ये बन गए हैं थर्ड हाईएस्ट विकेट कीपर विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट। सो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई वाज शाकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के हैं, आपको मालूम ही होगा जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको तो हर एक प्लेयर का मालूम रहता ही है। सो आपको मालूम होगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो हर मंथ निकाला जाता है। सो जुलाई मंथ के जो हैं वो शाकिब अल हसन हैं और ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। द 130th एडिशन ऑफ दुरंत कप इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन कोलकाता। सो इट इज़ सच ए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, सो मैंने इसको डाला है। सो 130th एडिशन होगा दुरंत कप, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि दुरंत कप कहाँ किस गेम से बिलोंग करता है। सो ये फुटबॉल से बिलोंग करता है। सो आप याद रखेंगे 130th एडिशन होने वाला है दुरंत कप का, और ये कहाँ होने वाला है, कोलकाता में होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन इन न्यूज़। सो रुद्रांशु मुखर्जी ऑथर द बुक टाइटल अ बेगम एंड रानी। तो ये सभी वन लाइनर हैं, जो जो भी बुक्स जो इन 7 दिनों में पब्लिश हुई हैं ऑथर के द्वारा, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगी सो मैंने वो डाल दी हैं। अ बेगम एंड अ रानी जो है वो रुद्रांशु मुखर्जी की किताब है, याद रखेंगे आप। प्रशांत देसाई हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर डिकोडिंग सक्सेस सीक्रेट फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स ऑफ अ डेड स्टार्टअप।
सो प्रशांत देसाई जी की बुक है ये। कार्टूनिस्ट स्कल्पचर एंड फोक सिंगर पी एस बैनर्जी पास्ड अवे, ही वॉज 41 ईयर्स ओल्ड। सो ये भी याद रखेंगे आप, कार्टूनिस्ट थे, स्कल्पचर और फोक सिंगर थे पी एस बैनर्जी जी, जो कि अभी अभी पास हुए हैं, जो कि अभी अभी हमें छोड़कर चले गए हैं, 41 ईयर ओल्ड थे वो। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक्टर अनुपम श्याम डाइड इन मुंबई एट द एज ऑफ 63। सो इनके बारे में आपने सुना होगा, ये डेली सोप के एक एक्टर थे, और अनूप श्याम जी, और इनका देहांत हो गया है मुंबई में, और इनकी एज जो थी वो 63 ईयर्स की थी। वेटेरियन एक्टर शवाना आज़मी, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही कुख्यात, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध एक तरह से ये एक्टर रह चुकी हैं शवाना आज़मी जी। हैज़ लॉन्च द बुक टाइटल द एयर दैट वॉज नॉट, द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड। ठीक है, सो आप याद रखेंगे, द एयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड है इस बुक का नाम। अ बुक टाइटल द अर्थ स्पिनर वॉज ऑथर्ड बाय अवार्ड विनिंग नॉवलिस्ट अनुराधा रॉय। तो अनुराधा रॉय जी की किताब है द अर्थ स्पिनर्स, याद रखेंगे आप। डॉक्टर बालाजी तांबे एंड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर एंड प्रोमिनेंट ऑफ योगा, जो कि हमें अभी छोड़ के जा चुके हैं, डॉक्टर बालाजी तांबे। अ बुक टाइटल्ड हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी ऑथर्ड बाय सुधा मूर्ति। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कमांडर कसारगोड पटना शेट्टी गोपाल राव, 1971 वॉर हीरो एंड रेसिपियंट ऑफ द महावीर चक्र एंड वीर सेवा मेडल पास्ड अवे। सो आप इनको याद रख लेंगे, बिकॉज ये हमारे जो हैं 1971 वॉर के हीरो भी रह चुके हैं, और इनको महावीर और वीर चक्र वीर सेना सेवा मेडल से नवाजा भी जा चुका है। सो आप इनको ज़रूर याद रखें, इनका भी अभी देहांत हुआ है, सो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सो रोचना मजूमदार ऑथर्ड द बुक टाइटल आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स फिल्म एंड हिस्ट्री इन द पोस्ट कॉलोनी। सो याद रखेंगे आप, रोचना मजूमदार ये हिस्टोरियन, एक हिस्ट्री के ऊपर किताबें लिखती हैं, काफ़ी फेमस नाम है, सो याद रखेंगे आप ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स की, कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं इन 7 दिनों में। नागालैंड हैज़ बिन कन्फर्ड विद 7 नेशनल अवार्ड्स ऑन द फर्स्ट वन धन एनुअल अवार्ड्स 2020-2021 ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द 34th फाउंडेशन डे ऑफ द ट्राइबल कॉरपोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द अवार्ड वर प्रेजेंटेड बाई यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा थ्रू अ जूम वेबिनार। ठीक है, सो नागालैंड को नवाजा गया है 7 नेशनल अवार्ड्स के साथ। ये नेशनल अवार्ड्स वन धन एनुअल अवार्ड्स जो हैं उनके अंदर दिए गए हैं, उनके ये दिए गए हैं अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हैं। और ये वन धन एनुअल अवार्ड्स को आयोजित किया गया 34th फाउंडेशन डे ऑफ ट्राइबल कॉरपोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको ट्राइफेड के नाम से भी जाना जाता है। सो आप याद रखेंगे, नागालैंड को दिया गया है, और हमारे यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर का नाम भी याद रखेंगे आप, और CM जो है नागालैंड के वो नाइप्यू रियो हैं, और जो कैपिटल है नागालैंड की वो है कोहिमा। सो नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र अनाउंस्ड राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन IT सेक्टर। सो अब से महाराष्ट्र जो है IT सेक्टर्स में जो भी एक्सीलेंस लाएगा, मतलब कि जो नंबर वन IT सेक्टर कंपनी होगी, उसको राजीव गांधी अवार्ड देगी। नेक्स्ट बात करते हैं, द नेशनल यूथ अवार्ड 2017-2018 एंड 2018-2019 वाज कन्फर्ड इन न्यू दिल्ली एट विज्ञान भवन। ओके, सो नेशनल यूथ अवार्ड दिए जा रहे हैं, और ये दिए जाएंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा, जो कि आपको पता है हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। सो इनके द्वारा दिए जा रहे हैं नेशनल यूथ अवार्ड, और ये कहाँ पे दिए जा रहे हैं, न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। तेलंगाना वॉन द AI गेम चेंजर अवार्ड इन द एक्सपीरियंस AI
सबमिट ऑर्गेनाइज्ड बाय नैसकॉम. सो नैसकॉम के द्वारा ये सबमिट ऑर्गेनाइज की जाती है और तेलंगाना जो है वो AI गेम चेंजर अवार्ड जीती है इस बार. नैसकॉम की फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज है. इसके बीच में जो भी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनीज हैं उन सभी के ऊपर है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसके द्वारा ही ये अवार्ड दिया गया है और ये तेलंगाना गवर्नमेंट को दिया गया है AI गेम चेंजर का अवार्ड. ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस हुए हैं इन 7-8 दिनों में. सो यूरोस्पोर्ट इंडिया हैज़ अपॉइंटेड बॉलीवुड सुपरस्टार एंड मोटो GP एंथुजियास्ट जॉन अब्राहम एज द इंडिया एम्बेसडर फॉर देयर फ्लैगशिप मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी मोटो GP. सो यूरोस्पोर्ट इंडिया ने बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोटो GP के लिए इंडिया में. सो याद रखेंगे आप. रेखा शर्मा गॉट नॉमिनेटेड फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 years एज चेयरमैन ऑफ NCW. सो रेखा शर्मा जी जो हैं वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस के लिए जो है वो 3 सालों के लिए द्वारा उनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है. दोबारा से नॉमिनेट हुई हैं वो अगले तीन सालों के लिए. सो याद रखेंगे आप, नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस के लिए जो चेयरमैन हैं वो कौन रहेंगी अब से अगले 3 सालों तक? रेखा शर्मा जी. बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर द ग्लोबल कैंपेन इवैक एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. सो आप ये ज़रूर याद रखेंगे इवैक जो है वो किनके लिए चलाया जा रहा है, किनके द्वारा चलाया जा रहा है? यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसके लिए जो उसके एम्बेसडर बनाए गए हैं एक तरह से आयुष्मान खुराना को जी को बनाया गया है जो कि इस कैंपेन को लीड करेंगे. सो इवैक की फुल फॉर्म क्या है कि एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. नेक्स्ट बात करते हैं, कमलेश कुमार पंत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी. सो कमलेश कुमार पंत जी को बनाया गया है NPPA के नए चेयरमैन. NPPA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी. सो नेक्स्ट बात करते हैं, राजकुमार राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैशिफाई. सो कैशिफाई एक ऐप है, आपने देखा होगा, सुना होगा काफ़ी इसके बारे में, और इसके जो फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो राजकुमार राव जी बने हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिगेडियर डी मिश्रा जो कि रिटायर्ड हैं अभी हैज़ अज्यूम्ड एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ मिजोरम. सो ब्रिगेडियर डी मिश्रा जी हैं जिनको एडिशनल चार्ज मिला है मिजोरम के गवर्नर का. सो यहीं तक थे ये अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस. नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से थे. 7 अगस्त हाल ही में अनाउंस हुआ है बिकॉज 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था. सो अब से वो इंडिया में मनाया जाएगा नेशनल जेवलिन थ्रो डे. याद रखेंगे आप, बिकॉज ये हाल ही में बनाया गया है, अनाउंस की गई है कि अब से मनाया जाएगा. सो ये आ सकता है और बहुत ही यादगार दिन था हमारे लिए, पूरे देश के लिए. सो नेक्स्ट 8 अगस्त को मनाया गया है 79th एनिवर्सरी ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. 9 अगस्त को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल. सो इंडिजीनियस पीपल मतलब कि आदिवासी लोगों के लिए ये दिन है ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें कि उनका कल्चर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा है. सो आगे बात करते हैं, 9 अगस्त को मनाया गया है नागासाकी डे. नागासाकी के ऊपर इस दिन बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी. सो आपको पता होगा शायद कि हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के दो पार्ट हैं उनके ऊपर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से दो एटॉमिक बम जो हैं वो दागे गए थे USA के द्वारा. सो नागासाकी के ऊपर जो दागा गया था वो 9 अगस्त को दागा गया था. सो याद रखेंगे इसको. 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे. 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लाइन डे मनाया जाता है. 11 अगस्त को इंटरनेशनली यूथ डे, ये इंपॉर्टेंट है आप बिल्कुल याद रखेंगे. और 11 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे. 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे. और 14 अगस्त को अभी अनाउंस हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखें इसको, पार्टीशन हॉरर्स रिजेम्बलेंस डे. मतलब कि जब भी अनाउंसमेंट हो गई थी कि जो जो
यहाँ रहना चाहता है यहाँ रहे, इंडिया में रहे, जिसने पाकिस्तान जाना है वो वहाँ रहे। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये सब चीज़ें हुई थी। सो स्ट्रगल को याद रखने के लिए, काफ़ी बंदों की शहादत को याद रखने के लिए ये दिन बनाया गया था, पार्टीशन हॉरर्स रिजेम्बलेंस डे। और 15 अगस्त को एज़ यूजुअल हम बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। और याद रखेंगे ये आप कि 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया है हमने अभी। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं मिसलेनियस। कुछ एक ऐसी चीज़ें और भी हैं जिनके बारे में हम बात कर लें, ताकि ये एग्ज़ाम्स में आए तो आपको याद रहे कि हमने पढ़ा था। और आप जितना होगा साथ साथ में पढ़ते रहेंगे उतना ही बेनिफिशियल है ये आपके लिए, बिकॉज करंट अफेयर्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, मतलब आगे से आगे उनके ऊपर न्यूज़ बनती रहती है। सो आपको अगर पीछे पता होगा तो आप इजीली पेपर में, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन भी हो रहा है तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी के ऑप्शंस को। सो चलिए मिसलेनियस में बात कर लेते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स की। द फर्स्ट हार्ट फेलियर बायोबैंक हैज़ कम अप इन केरला। सो केरला में फर्स्ट हार्ट फेलियर बायोबैंक बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है ये? केरला में बनाया गया है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, हैज़ सिक्योर्ड पेटेंट रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स इनोवेशन प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर। सो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है, इन्होंने अभी अभी पेटेंट रजिस्टर किया है अपने नाम पे प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज पेपर्स के लिए हमें काफ़ी पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, और प्लास्टिक का यूज़ करके अगर ऐसे हैंडमेड पेपर बनाए जा सकें सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका है और बहुत ही अच्छा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। सो आप याद रखेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको KVIC के नाम से भी जाना जाता है। रेल मदद इज़ दी वन स्टॉप सॉल्यूशन हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे। सो रेल मदद एक एप्लीकेशन है जो कि जिसके ऊपर आप अब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना वेटिंग नंबर चेक कर सकते हैं, अपनी टिकट क्लियरेंस चेक कर सकते हैं, कोई असिस्टेंस चाहिए आपको तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। सो ये रेल मदद नाम से एक ऐप चलाई गई है, किसके द्वारा? इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, गूगल ऑनर्ड इंडियाज फर्स्ट वुमेन पायलट सरला ठुकराल ऑन दी 107th बर्थडे विद अ डेडिकेटेड गूगल डूडल। आपने सुना होगा, देखा होगा गूगल में कई बार एनिमेशंस आती हैं जैसे ही आप गूगल खोलते हैं। सो गूगल हमेशा डूडल्स बनाता रहता है, बहुत अच्छे अच्छे बनाता है। सो इन्होंने अभी अभी सरला ठुकराल जी के लिए बनाया है उनकी 107th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, और ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन पायलट थी। नेक्स्ट बात करते हैं, गुजरात के CM ने लॉन्च की है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन। सो गुजरात के CM जो हैं वो विजय रूपानी जी हैं, याद रखेंगे आप। और इन्होंने क्या किया है, ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस ई नगर एप्लीकेशन के थ्रू अब से आप कोई भी हाउस टैक्स हो गए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आप इन, अगर आपने कुछ मान लीजिए आपकी स्ट्रीट लाइट लगी है, आपके घर के बाहर नहीं चल रही है, आप उसके बारे में कंप्लेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। बहुत सारे काम जो हैं वो इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं आप। और इस ऐप का नाम है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन, और ये चलाई गई है गुजरात के CM के द्वारा। ओके, सो कैपिटल जो है गुजरात की वो है गांधीनगर, और CM जो हैं वो विजय रूपानी जी हैं, याद रखेंगे आप। और ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, टैक्सेस भी पे कर सकते हैं अब से आप। नेक्स्ट बात करते हैं, स्विगी इज़ लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक साइकिल ई साइकिल इन एफिलिएशन विद द हीरो इलेक्ट्रो कार्गो इन हैदराबाद। सो स्विगी जो है वो इलेक्ट्रिक साइकिल्स को जो है वो लॉन्च करने वाला है हीरो इलेक्ट्रो कार्गो के साथ मिलकर, और ये कहाँ पे करने वाला है? हैदराबाद में करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन विल रन इन हरियाणा। सो हरियाणा में पहली हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर चलने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड जो ट्रेन है वो चलेगी हरियाणा में। ओके,
सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मतलब एक तरह से बैटरी होगी ये, जो कि हाइड्रोजन के फ्यूल के ऊपर से, फ्यूल से पावर लेकर चलेगी, और ये फर्स्ट ट्रेन होगी। सो ये कहाँ चलेगी? हरियाणा में चलेगी। ज़ायद तलवार 2021 इज़ अ बायलेटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद यूएई। सो याद रखेंगे, ज़ायद तलवार जो है वो बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्नाटका हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू द ऑर्डर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको मालूम होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है हमारी 2020 में, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होना शुरू हो गई है, और फर्स्ट जो स्टेट बनी है वो कर्नाटका बनी है। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फॉर्मेट है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो 5+3+3+4, ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है, और स्टेट का नाम भी आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने फर्स्टली इम्प्लीमेंट किया है ये। सो आप कर्नाटका का नाम याद रखेंगे, और फॉर्मेट भी बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको, 5+3+3+4। नेक्स्ट बात करते हैं, छत्तीसगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट रिसोर्स राइट्स इन अर्बन एरिया। ओके, तो छत्तीसगढ़ ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स की, मतलब कि जो भी जनजातियां जो हैं जो कि फॉरेस्ट में रहती हैं, जैसे कि हमारे इंडिजीनियस पीपल्स हो गए, मतलब कि जो आदिवासी लोग हैं, उनकी कम्युनिटी को भी एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, उनको रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए ये बना है, ये उनको भी राइट्स प्रोवाइड करने के लिए ये पहल की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। सो सीएम जो हैं वो भूपेश बागल जी हैं छत्तीसगढ़ के, और कैपिटल जो है वो रायपुर है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। द थीम ऑफ दिस ईयर्स मीटिंग इज इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। सो याद रखेंगे आप, थीम इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, और ये कहाँ पे हो रही है? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 ऑर्गेनाइज की जाएगी दिल्ली के अंदर, और थीम्स पूछ ली जाती हैं, और मेरे को जिस जिसकी भी थीम्स मिल जाती हैं मैं ज़रूर डाल देता हूँ बीच में, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं, रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग इज़ 32nd। ओके, सो याद रखेंगे आप, अभी रिसेंटली होने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है ये। वरुष्का बंधन प्रोजेक्ट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन औरंगाबाद, वेयर 1100 ट्राइबल वुमेन्स ऑफ औरंगाबाद आर मेकिंग राखीज फॉर रक्षाबंधन विद सीड्स ऑफ इंडिजीनियस ट्रीज विद अ यूनिक कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। सो वरुष्का बंधन प्रोजेक्ट जो है वो औरंगाबाद में चलाया जा रहा है, इसके अंदर 1100 ट्राइबल वुमेंस जो हैं वो राखीज बनाएंगी, और ये जो है राखी जो बनाई जाएगी वो एक मतलब कि जो भी पुराने जो कि पेड़ हैं हमारे उनके सीड्स के द्वारा बनाई जाएंगी। सो एक बहुत ही यूनिक कंट्रीब्यूशन है ये हमारे लिए, और इस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को भी कॉम्बैट कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, और याद रखेंगे आप, वृक्षका बंधन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज अ कलर कोडेड एक्शन प्लान इन द सिटी टू कंट्रोल एनी राइज इन फ्रेश इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अभी इम्पोज किया है कलर कोडेड एक्शन प्लान। ये कलर कोडेड एक्शन प्लान एक्चुअल में है क्या, कि जिससे आपने पहले भी सुना होगा जब कोरोना वायरस चला था, तो रेड रेड जोन्स, ऑरेंज जोन, इस तरह से। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो अब से बांट दिए हैं येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड एरियाज़ में। येलो में दिल्ली तब रहेगा जब 0.5% केसेस जो हैं वो दिल्ली में होंगे, एम्बर जब 1% केसेस दिल्ली में हो जाएंगे, और येलो जो है वो 2 से 4% के बीच में रहेगा, और रेड जो है जब 5% केसेस से ऊपर निकल जाएगी दिल्ली में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की रेंज। सो याद रखेंगे आप, कौन कौन से कलर हैं, येलो, एम्बर, ऑरेंज एंड रेड। क्वाइन डीसीएक्स
has become the first Indian cryptocurrency exchange to enter the Unicorn Club. So CoinDCX के बारे में आपने सुना होगा, जो भी cryptocurrencies का शौक रखते हैं उनको मालूम होगा CoinDCX के थ्रू आप सेल परचेज कर सकते हैं cryptocurrencies की. सो इनको इसको अभी अभी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर लिया गया है. और यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है, जब भी किसी कंपनी का किसी स्टार्टअप कंपनी का वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ऊपर हो जाता है या $1 बिलियन पहुंच जाता है तो वो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द इन्वेस्टर समिट 2021 जो कि गुजरात में हुई थी. आपने देखा होगा टीवी के ऊपर स्क्रैपिंग पॉलिसी भी मोदी जी ने अनाउंस की थी इसके अंदर. सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं. इंडिया इज़ रैंक्ड 122nd ऑन अ न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020. सो इंडिया का जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 122nd है, जो कि बहुत ही ख़राब है मेरे अनुसार. बिकॉज जब तक इंडिया के यूथ जो हैं वो हाई सैलरीड जॉब में नहीं आएंगे, बिकॉज आने वाले 10-15 साल में आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर लाइबल हो जाएंगे एक तरह से. अगर उन्हें पेंशन है चलो तो ठीक है, बट हर किसी को पेंशन तो होगी नहीं. सो हर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर नहीं होगा. सो कल को जो यंग जनरेशन होगी उनके ऊपर उनका भी बोझ आ जाएगा, अपनी फैमिली का भी बोझ होगा. सो जब तक इंडिया जो है वो इंडिया का यूथ जो है वो हाई सैलरीड जॉब में नहीं आता है, तब तक इंडिया का ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल है मेरे अनुसार. बिकॉज चाइना के पास भी जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी 1980 के आसपास, तो चाइना ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और आज वो एक तरह से सुप्रीम पावर बन के उभरा है. सो इंडिया के पास भी अभी ये मौका है अगले 2040 तक जो यूथ है, अगर ये यूथ जो है वो हाई सैलरीड जॉब में आता है या इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स निकलते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं, सो काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है अगले 10-15 साल में. सो करंटली तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो ग्लोबल यूथ इंडेक्स में जो है वो 122nd है, और ये जो रैंकिंग ली जाती है 181 कंट्रीज़ के ऊपर ली जाती है. सो इंडिया का रैंक जो है वो कुछ ठीक नहीं है फ़िलहाल तो, बट आने वाले उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले कुछ सालों में शायद कुछ प्रभाव पड़े और ये रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो. नेक्स्ट बात कर लेते हैं. मेडन अल मोहेद अल हिंदी एक्सरसाइज इज सेट टू बी बिगेन बिटवीन द इंडियन नेवी एंड सऊदी अरब नेवी. सो ये फर्स्ट टाइम हो रही है अल मोहेद अल हिंदी एक्सरसाइज. ठीक है, सो ये इंडियन नेवी और सऊदी अरेबिया की नेवी के बीच में हो रही है. सो याद रखेंगे आप, इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. काजीरंगा हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द कंट्री टू हैव बीन इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स. सो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको मालूम होगा फेमस है वन हॉर्स राइनोसोरस के लिए, और इसके अंदर जो है वो सैटेलाइट फोन्स लगाए गए हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इन इंडिया अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण. सो इंदौर को जो है ऑलरेडी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और ये वाटर प्लस सिटी के लिए भी डिक्लेयर कर दी गई है कि यहाँ पे पानी जो है पानी की स्वच्छता भी बहुत अच्छी है और पानी की उपलब्धि भी बहुत अच्छी है. सो ये जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन के अनुसार दी जाती है ये रैंकिंग. सो इंदौर ने जो है वो फर्स्ट बनी है सिटी ये इंडिया की जिसमें जिसको वाटर प्लस सिटी भी कहा जा रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं. एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा इन कोलेबोरेशन विद हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एक्सपोर्टेड फर्स्ट कंसाइनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 5 यूनिक वराइटीज़ ऑफ एप्पल्स. ठीक है, सो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड
प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के कोलैबोरेशन के थ्रू ये हुआ है कि हिमाचल के जो 5 यूनिक वैराइटीज़ हैं एप्पल की, उनका फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है वो बहरीन है एक कंट्री, उसके लिए भेजा गया है। सो हिमाचल के एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, बिकॉज पूछ लिया जाता है कि आपको नाम दे दिया जाएगा, जैसे रॉयल डिलीशियस ये क्या है, किसकी ये वैरायटी है। सो आप ये पांचों वैरायटीज़ याद रख लीजिए, रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरोन गाला, स्कारलेट स्पूअर, रेड वेलॉक्स एंड गोल्डन डिलीशियस, जो है ये एप्पल की वैरायटीज़ हैं, ठीक है। और इसको कहाँ जा रहा है ये कंसाइनमेंट, कहाँ भेजा गया है, बहरीन भेजा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू ₹50,000 टू स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ₹50,000 तक का लोन देने की एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है उन्हें। और ये जो है आपको याद रखना है कि CM जो हैं राजस्थान के वो अशोक गहलोत जी हैं, और कैपिटल जो राजस्थान की है वो है जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दी असम असेंबली रिसेंटली पास द कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 एम्ड एट द रेगुलेटिंग स्लॉटर कंजम्पशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल इन द स्टेट, ठीक है। सो आप याद रखेंगे, कैटल प्रिजर्वेशन बिल जो है वो असम की असेंबली ने पास कर दिया है कि जो भी स्लॉटरिंग होती है, मतलब काटा जाता है जो एनिमल्स को, उसके ऊपर ये रेगुलेशन है। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ इसके ऊपर। सो याद रखेंगे आप, ये कहाँ पे पास हुआ है, कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 असम में पास हुआ है। इसरो विल लॉन्च INS-2B, ये भूटान की एक सैटेलाइट जो है वो इसरो लॉन्च करने वाला है। आप याद रखेंगे INS-2B नाम है इसका, और ये दिसंबर 2021 में लॉन्च करेगा इसरो। और चेयरमैन जो है वो इसरो के डॉक्टर के सिवान जी हैं, याद रखेंगे आप। सो नेक्स्ट बात करते हैं, वी गोविंद राजन इज द न्यू CEO ऑफ द रॉयल एनफील्ड एंड ED ऑफ आइशर मोटर्स, ठीक है। सो वी गोविंद राव, आपको मालूम होगा कि रॉयल एनफील्ड को जो है वो एक्चुअल में आइशर मोटर्स ऑन करती है। सो उसके CEO जो हैं वो वी गोविंद राजन जी हैं, ठीक है। सो अभी इन्होंने CEO का पद संभाला है। सो याद रखेंगे, बिकॉज रॉयल एनफील्ड काफ़ी फेमस एक ब्रांड है इंडिया में। सो क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, वी गोविंद राजन जी नाम है इनका, जो भी अभी CEO बने हैं रॉयल एनफील्ड के। नेक्स्ट बात करते हैं, आई थिंक से यहीं तक था। सो प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये सेशन, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं इसके अंदर। प्लीज़, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जितना हो सके आप प्लीज़ शेयर भी करें। और वीकली करंट अफेयर्स बनाने का मकसद ही ये है, बिकॉज संडे का दिन होता है, फ्री होता है, और एक्चुअली आज तो ट्यूसडे के दिन हम इसे अपलोड कर रहे हैं, बिकॉज मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स थे। सो मैं उस कारणवश घर पर नहीं था, मेरा सेंटर ज़रा दूर था, सो मेरे को वहाँ जाना पड़ा, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था वीडियो। सो अभी आप प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें लोग, किसी के साथ भी जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। और ये मेरा पर्सनली बहुत ही, मैं ज़्यादा ये करता हूँ कि वीकली करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। एक तो संडे होता है, पूरा दिन रिवीजन के लिए मिल जाता है, आप पूरे दिन लगा के मैं पढ़ता हूँ इनको, तो मेरे को अच्छा लगता है। और हमारा मेन फोकस जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करना ही होता है मैक्सिमम। सो आई थिंक से ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है जो कि वीकली करंट अफेयर्स की। सो आप प्लीज़ हमारे साथ हर संडे से, मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे को बनाऊँ, और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और टिल देन वी विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।